हेलो एवरीवन, टीचर्स एग्ज़ाम क्रैकर सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। और ये किताब है डॉक्टर अरिजीत कुमार सिंह की, जिसमें कि वन लाइनर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत में पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, अरबों द्वारा सिंध की विजय। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना 9वीं शताब्दी में विद्वान बिलादुरी रचित पुस्तक थी फुतू अल बल्दान, और 13वीं शताब्दी की पुस्तक है चचनामा, किसके द्वारा रचित? अली अहमद के द्वारा रचित। इससे मिलती है हमें अरबों के भारत के आक्रमण के विषय में जो भी सूचना मिलती है, कौन कौन सी पुस्तक? एक बिलादुरी द्वारा लिखी गई पुस्तक फुतू अल बल्दान, और एक अली अहमद द्वारा रचित चचनामा से। मोहम्मद बिन कासिम मकरान होता हुआ 712 ईस्वी में देवल सिंध पहुंचा, और निरून नगर जो कि बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है, निरून नगर वहां पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय में सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण किया था सिंध में, उस समय उस वहाँ का शासक दाहिर था। इसके अलावा भारत में पहली बार जजिया जो कर था उसकी वसूली मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही की गई थी। जजिया कर की सर्वप्रथम पहली बार वसूली मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही किया गया था। 715 में खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी थी। मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कब हुई थी? 715 में हुई थी। किसने करवाया था? खलीफा सुलेमान ने करवाया था। खलीफा ने दो स्वतंत्र राज्य, एक सिंधु नदी के तट पर अरोर और दूसरा मुल्तान में एक मंसूरा स्थापित किया था। करीब 150 वर्ष तक सिंध और मुल्तान के प्रांत खलीफा साम्राज्य के अंतर्गत रहे। इसके बाद जानेंगे आप महमूद गजनवी के आक्रमण के विषय में। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी था। किसका पुत्र था महमूद गजनवी? सुबुक्तगीन का पुत्र था। इसने 27 वर्ष की उम्र में, ये 27 वर्ष की उम्र में शासक बना और सिस्तान के खलीफा को हरा करके सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? महमूद गजनवी था। महमूद ने भारत पर 1000 से 1026 तक 17 बार पूरे आक्रमण किए थे। टोटल 17 बार आक्रमण किया था उसने, और इन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है हेनरी इलियट ने किया था इन आक्रमणों का उल्लेख। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 में किया था। ये आक्रमण हिंदुशाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। ये जो आक्रमण था ये जयपाल के विरुद्ध था जो कि हिंदुशाही राजा था। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित जो आक्रमण था वो 1026 में जो सोमनाथ मंदिर पर किया था गुजरात में, वो सबसे चर्चित आक्रमण रहा है। इस मंदिर की लूट में उसने करीबन 20 लाख दिनार की संपत्ति उसके हाथ में लगी थी। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ था, और महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हुई। महमूद गजनवी ने सिक्कों के पृष्ठभाग पर कलमा का संस्कृत रूपांतरण करवाया था, अंकित करवाया था। किस नाम? संस्कृत रूपांतरण जो शब्द था वो क्या था? अव्यमेकम अवतार, अव्यमेकम अवतार। कलमा का संस्कृत रूपांतरण करवाया था महमूद गजनवी ने सिक्कों के पृष्ठभाग पर, शब्द है अवमेकम अवतार। अलबरूनी फिरदौसी उतबी और फारूखी, अलबरूनी फिरदौसी उतबी और फारूखी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन रहते थे? फारूखी, उतबी, फिरदौसी और अलबरूनी। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी के आक्रमण से रिलेटेड है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गजनवी और गोरी दोनों अलग ही व्यक्ति हैं। मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम 1175 में गोमल दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश किया था और मुल्तान उच्च को अपने अधीन कर लिया था। मुल्तान और उच्च को अपने अधीन कर लिया था। 1178 में गोरी गुजरात के बघेल शासक मूलराज द्वितीय से आबू पर्वत के नज़दीक पराजित हो गया। मूलराज द्वितीय कौन थे? भीमदेव द्वितीय। 1179-80 में गोरी ने पेशावर पर कब्जा कर लिया। 1179-80 में गोरी ने 1882 में सिंध के निचले भाग पर आक्रमण करके सुकरा वंश के शासक को अपने अधीन कर लिया। सुकरा वंश के शासन को अपने अधीन कर लिया 1182 में सिंध के निचले भाग पर आक्रमण करके। इसके बाद 1186 में गोरी ने
खुसरो मलिक से लाहौर जीत लिया था। गोरी ने खुसरो मलिक से लाहौर 1186 में जीता। फिर मोहम्मद गोरी ने 1190 तक संपूर्ण पंजाब को गौर साम्राज्य का अंग बना लिया। 1191 में दिल्ली अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में तराइन के मैदान पर मुकाबला हुआ, जिसमें कि गोरी पराजित हुआ था। इसके बाद 1192 में गोरी और चौहान के बीच में फिर से तराइन के मैदान में दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और गोरी विजयी रहा। फिर 1194 में मोहम्मद गोरी और कन्नौज नरेश जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में गोरी विजय प्राप्त हुआ। 1195-96 में गोरी ने चुनार के पास में जाटों और राजपूतों को पराजित किया। गजनी वापसी के मार्ग में 15 मार्च 1206 में आफरीदी कर्मार्थी कबीलों के द्वारा सिंध नदी के पास में दम्यक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते हुए धोखे से मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई थी। कब? 15 मार्च 1206 में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मोहम्मद गोरी से रिलेटेड, ये है कि सिक्कों में एक तरफ शिव और नदी बैल की आकृति था और देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज और दूसरी तरफ में घोड़े के साथ में मोहम्मद बिन साम लिखा था। मोहम्मद गोरी के सिक्के में एक तरफ शिव और नंदी बैल की आकृति थी, देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज और दूसरी तरफ में घोड़े के साथ में मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। मोहम्मद गोरी के कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती है। दिल्ली वॉल। नेक्स्ट चैप्टर है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो शासन काल था वो गुलाम वंश का था, 1206 से 90 तक रहा। 1206 से 90 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश का शासक माना जाता है। इस काल में कुतुबी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी यानी इल्तुतमिश, बलबनी यानी बलबम। तो ये जो गुलाम वंश था इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन राजवंशों ने शासन किया था। इल्तुतमिश और बलबन ये इलबरी तुर्क थे। इल्तुतमिश और बलबन इलबरी तुर्क थे। गुलाम वंश, जिसको दास वंश भी कहा जाता है, इस वंश में केवल 3 ही दास थे। सभी सुल्तानों में केवल 3 ही दास थे। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सबसे पहले जानिए, इनका काल 1206 से 10 तक रहा। इनका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था, जैसे कि मोहम्मद गोरी ने गजनी में एक व्यापारी से खरीदा था। गोरी के गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाने वाला। कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, ये मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला शासक था, सेनानायक था। ऐबक को उदारता और दानशीलता के कारण लाख बख्श भी कहा गया है। लाख बख्श किसका एक नाम है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक नाम है। ऐबक की मृत्यु हुई 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके हो गई थी। इसको लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पे दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। इसके बाद आता है इल्तुतमिश 1210 से 36 तक। इल्तुतमिश जो था ये तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो कि ऐबक का गुलाम भी था और इसका दामाद भी था। दामाद था, गुलाम था। ऐबक की मृत्यु के समय में वो बदायूं का गवर्नर था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को मोहम्मद गोरी ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। इल्तुतमिश को मोहम्मद गोरी अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया था, इसीलिए इसको चालीसा, ये क्या कहलाता है? चालीसा कहलाता है। तुर्काने चहलगाने, इसको चालीसा भी कहते हैं। 18 फरवरी 1229 को बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान आजाम की उपाधि दी थी, प्रदान की, और नासिर अमीर उल मोमिन भी इल्तुतमिश की ही उपाधि थी। इल्तुतमिश की क्या क्या उपाधि थी? सुल्तान ने आजम, नासिर अमीर उल मोमिन।
एकता व्यवस्था का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया। ये सारे चीज़ें अब इम्पॉर्टेंट आ गई। एकता व्यवस्था का प्रचलन किसके टाइम पे हुआ था? इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका, जो कि 175 ग्रेन का था, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलवाया? जीतल, तांबे का जीतल और चांदी का टंका इल्तुतमिश ने चलवाया। इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1236 में। रजिया बेगम इसके बाद आती है 1236 से 1240, बहुत कम समय के लिए। ये प्रथम, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रथम मुस्लिम महिला थी रजिया बेगम, जिसने कि शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया प्रदा प्रथा को त्याग करके पुरुषों की तरह बेकूबा, कूबा यानी कि कोट और कुलाह, कुलाह यानी टोपी पहन करके राजदरबार में बेपर्दा होकर के जाती थी। रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर नियुक्त किया था, यानी अश्वशाला का प्रधान अमीर आखूर। रजिया ने भटिंडा के सूबेदार अल्तूनिया से पराजित होकर के उससे विवाह कर लिया था। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। उसके बाद आता है बलबन गुलाम वंश में। बलबन 1266 से 87 ईस्वी तक। इल्तुतमिश का ये गुलाम था बलबन, इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफर सियाब का वंशज बताया है। बलबन 1266 में गयासुद्दीन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था। मंगोलों के आक्रमण से तुर्कानी चहलगानी का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने किया था। तुर्कानी चहलगानी का विनाश बलबन ने किया। राज दरबार में सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने कराई थी? बलबन ने ही की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। बलबन के समय में बंगाल के शासन तुगरील खान ने विद्रोह कर दिया। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। बलबन ने मलिक मुगदीर को तुगरील कुश की उपाधि प्रदान की थी। तुगरील कुश की उपाधि किसको प्रदान की थी? मलिक मुगदीर को बलबन ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमशुद्दीन क्यूमर्श। शमशुद्दीन क्यूमर्श गुलाम वंश का अंतिम शासक था, जिसका सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसके बाद आता है खिलजी वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, और टोटल 1290 से ये 1320 तक खिलजी वंश चलता है। 1290 से 1320 तक। खिलजी मूलतः तुर्क थे, लेकिन अफगानिस्तान में ये दीर्घकालीन तक रहने के कारण उन्होंने उस देश के रीति रिवाजों को अपना लिया था। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। 1290 से 96 तक ये था जलालुद्दीन। इसने गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना की। इसके बाद आता है 1296 में अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 तक रहता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की कड़ा, कहाँ पे? इलाहाबाद में, कड़ा में 20 जुलाई 1296 को हत्या करके सुल्तान बना था। इसका बचपन का नाम था अली गुरशस्प। अलाउद्दीन का राज्याभिषेक दिल्ली के, दिल्ली में बलबन के लाल महल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन ने विश्व विजय और नए धर्म की स्थापना का विचार दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के समझाने पर त्याग दिया था। अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को प्रदान करते समय या प्रदान करते हुए यामिल उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। इसका मतलब है खलीफा का नायब। बाजार विनिमय प्रणाली ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आरंभ की गई थी। बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवारे रियासत नामक अधिकारी करता था। इसने खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा एक पांचवा भाग के स्थान पर 4/5 भाग कर दिया था। अब ये कुछ अभियान है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के का विजय अभियान था। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कौन कौन सा विजय अभियान अलाउद्दीन खिलजी का था? ये गुजरात से शुरू होते हुए जालौर तक था। गुजरात से रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, शिवान, जालौर। वहीं दक्षिण भारत में जो विजय अभियान चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, वो देवगिरी से वारंगल, द्वार समुद, फिर मालाबार में। जमात खाना मस्जिद
और अलाई दरवाजा, सिरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सिरी का किला और हजार खंबा महल का निर्माण। अलाउद्दीन के द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं का परमिट जारी करता था। सराय अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल और अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी जियाउद्दीन बरनी कृत तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। खजाइन उल फुतू, अमीर खुसरो, रहला इब्न बतूता और फुतू उस सलातीन इसामे की कृति है। खजाइन उल फुतू अमीर खुसरो की कृति है, रहला इब्न बतूता की, फुतू उस सल्तानी सलातीन ये इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहत्सिब यानी सेंसर, ये इस्लामिक भाषा मुहत्सिब यानी सेंसर और नाजिर, ये मूल नियंत्रण को सफल बनाने के लिए ये सारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। नाजिर यानी नापतौल अधिकारी होता था। अब इस चार्ट में, इस बॉक्स में अमीर खुसरो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अमीर खुसरो यानी मोहम्मद हसन का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं पटियाला में 1253 में हुआ था। बदायूं में बलबन से लेकर के मोहम्मद तुगलक तक 8 सुल्तानों के दरबार में रहे हैं। इसका इनका उपनाम तूतिये हिंद यानी भारत का तोता था अमीर खुसरो का नाम। अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलैया के शिष्य थे। इन्होंने सितार तबला के आविष्कार के साथ में कव्वाली गायन का भी आरंभ किया था। तो ये पांचों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है अमीर खुसरो से रिलेटेड। इसके अलावा राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर के उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कई नवीन कर लगाए थे, चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर एक कर था, घरी कर जो कि घरों के और घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान मुस्तखराज। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, अब ये है सुल्तान काल में 5 प्रकार के कर लगाए जाते थे वो कौन सल्तनत काल में 5 तरीके के कर लगाए जाते थे वो कौन कौन से टैक्स थे? उश्र, ये उश्र लगाया जाता था, ये ऐसा कर होता था जो कि मुसलमानों से भूमि कर के रूप में लिया जाता था। खराज, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर होता था। खम्श, लूट खानों एवं भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त धन को खम्श कहते थे। जकात, मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लगता था उसको जकात कहते थे। और जजिया, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर होता था। अब आते हैं तुगलक वंश पे। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चलता है। 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक यानी जिसका नाम गाजी मलिक था, 1320 से 25 तक शासनकाल था गयासुद्दीन तुगलक का। ये दीपालपुर का सूबेदार था और 5 सितंबर 1320 को अंतिम खिलजी शासक खुसरो शाह को पराजित करके तुगलक वंश की नींव डाली और 8 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक का पिता एक करौनी तुर्क था जो और माता पंजाब के जाट की पुत्री थी। गयासुद्दीन तुगलक ने लगभग 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी और काफिरों का घातक की उपाधि धारण की थी। किसको काफिरों का घातक की उपाधि मिली थी? तो गयासुद्दीन तुगलक को। इसके अलावा गाजी यानी या तो गाजी या काफिरों का घातक। गयासुद्दीन ने आर्थिक नीति का आधार संयम को बनाया था। संयम यानी जिसको क्या कहते थे? रस्म मियान। और लगान के रूप में कर जो था वो 101/10 या 112 भाग वसूल किया। गयासुद्दीन नहरों का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान था। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन था। अमीर खुसरो के अनुसार सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रखता था, यानी कि वो अत्यधिक विद्वान था। अमीर खुसरो कहता था गयासुद्दीन को कि सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रहता था। ये किसने कहा है? अमीर खुसरो ने। निज़ामुद्दीन औलैया ने गयासुद्दीन के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। गयासुद्दीन का मकबरा कृत्रिम झील के अंदर निर्मित है। इसकी दीवारें मिस्र के पिरामिडों की भांति भीतर की ओर झुकी हुई है। इस मकबरे का
पंचभूमि होना इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। मकबरे में अमल और कलश में प्रयोग हिंदू मंदिर के समान हुआ है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51। ये मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 में दिल्ली का सुल्तान बना था। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। इसका मूल नाम था जूना खां या जौना खां। इसे उल्लुक खां की उपाधि दी गई थी। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित विद्वान और एक योग्य व्यक्ति था। बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं का उल्लेख किया है। कौन कौन सी योजना? पहला, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326-27, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासन अभियान और कराचील अभियान। ये 5 योजनाओं का उल्लेख किया है बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासन अभियान, कराचील अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीरे कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका की मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। पीतल को फरिश्ता अनुसार पीतल का सिक्का चलवाया था और तांबा बर्नी के अनुसार। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 में भारत आया था। इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 में आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था इब्न बतूता को। इब्न बतूता की पुस्तक है रहला। रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध के विद्रोह को दबाते हुए थट्टा के निकट गोडाल में हो गया था। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। शासनकाल 1351 से 88। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, जो कि इसकी मृत्यु के बाद 20 मार्च 1351 को दिल्ली का शासक बना। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। इसके शासनकाल में टोपरा, खिजराबाद गांव और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर के दिल्ली में स्थापित किया। फिरोज शाह ने जाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण करके जगन्नाथ मंदिर और नगरकोट कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिरों को ध्वस्त किया। फिरोज शाह ने लगभग 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 कर ही लिए थे। कौन कौन से? खराश, खम्स, जजिया और जकात। किस किस पर लगाया जाता है वो चार्ट में आपको दिखाया गया है। फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर 1/10 और भूमि कर उपज का 1/5 से 1/2 भाग लिया था। फिरोज तुगलक ने सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरें बनवाई थी और तुगलक ने फलों के 1200 बाग लगवाए थे, 1300 नए नगर बसाए थे। तुगलक ने रोजगार दफ्तर विभाग का भी स्थापना किया था। तुगलक ने तांबे और चांदी के सिक्के जारी करवाए, जिन्हें कि अधा और भीख कहा जाता था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना भी की। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी और शम्स शिराज अफीक को अपना संरक्षक प्रदान किया था। फिरोज शाह के काल में निर्मित खाने जहां तेलगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह किले का निर्माण करवाया था। सितंबर 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद अबू बकर को 1389 में सुल्तान बनाया गया था। इसके बाद आते हैं नासिरुद्दीन महमूद तुगलक पे 1398 से 1414। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। इसके समय में ही तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। 7 दिसंबर 1398 को तैमूर लंग समरकंद निवासी ने भारत पर आक्रमण करके अथाह धन संपत्ति लूटी थी। तैमूर लंग ने पंजाब के शासक खिज्र खां सैयद को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर के प्रदेशों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किया था। इसके बाद आता है सैयद वंश 1414 से 1451 तक। खिज्र खां 1414 से 21 तक था। ये सैयद वंश का संस्थापक था। खिज्र खां
ये स्वयं को पैगंबर का वंशज मानता था। खिज्र खा तैमूर लंग का सेनापति और ये नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिज्र खा ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। खिज्र खा का प्रशासन उदार और न्याय संगत था। इसके बाद आता है मुबारक शाह 1421 से 34 तक। मुबारक शाह पहला सुल्तान था जिसके काल में दिल्ली के दरबार में हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है। खिज्र खां के पुत्र मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षक प्राप्त था। मुबारक शाह ने यमुना के तट पर मुबारकाबाद नामक शहर बसाया था। 13 फरवरी 1434 को सरदार सरवर उर मुल्क ने छल से मुबारक शाह की हत्या कर दी थी। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह 1434 से 1444 तक। इसका पूर्व नाम था फरीद खां। मोहम्मद शाह का पूर्व नाम जो था वो फरीद खां था। मोहम्मद शाह ने पंजाब और मुल्तान के शासक बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी थी और पुत्र कहकर के पुकारा था। इसके बाद आता है अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1551 तक। इस वंश का ये अंतिम शासक था। आलम शाह की मृत्यु 1476 में बदायूं में हो गई थी। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा था। इसके बाद आ जाता है लोदी वंश 1451 से 1526 तक। बहलोल लोदी सबसे पहले शासक था लोदी वंश का 1451 से 89 तक। दिल्ली का ये प्रथम अफगान शासक था। वह गिलजोई कबीले की शाख शाहूखेल से पैदा हुआ था। 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया था। जुलाई 1489 को जलाली के निकट बीमार पड़ने के कारण बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आता है सिकंदर शाह लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक। 17 जुलाई 1489 को सिकंदर शाह लोदी सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोदी ने 1504 को आगरा शहर की नींव डाल करके इसे अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों के पीरों और संतों की मजार अथवा कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। सिकंदर लोदी ने लगवाया था मुसलमानों को ताजिया निकालने और ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया और मुसलमान स्त्रियों के पीरों को और संतों की मजार कब्रों पर जाने पर। भूमि मापन की प्रणाली पैमाने गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने करवाया था। सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ था। सिकंदर लोदी के काल में गायन विद्या के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना फारसी में की गई। इसके बाद आता है इब्राहिम शाह लोदी 1517 से 1526 तक। इब्राहिम शाह लोदी को सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद 22 नवंबर 1517 को अमीरों ने सर्वसम्मति से दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया था। सिकंदर लोदी की मृत्यु गले की बीमारी के कारण हुआ था। इब्राहिम लोदी के समय में अफगान सरदारों ने बिहार के गवर्नर दरिया खान लोहानी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में 1517-18 में खतौली का युद्ध हुआ था जिसमें कि इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और राणा सांगा विजयी रहा था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम की हत्या करके मुगल वंश की नींव डाली थी। प्रथम युद्ध पानीपत का कब हुआ था? 1526 में हुआ था। तो सल्तनतकालीन प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था कैसे थी उससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाता है वो पॉइंट वाइज अब आपके कवर होंगे। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के स्थान पर अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा सल्तनत शासक था जिसने कि सुल्तान के पद को सर्वोच्च रखते हुए सिकंदर शाही जैसी उपाधियाँ ग्रहण की थी। मुबारक खिलजी सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने कि स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय इल्तुतमिश को है। सल्तनत काल में स्थायी सेना के गठन का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सैनिकों की सीधी भर्ती और उनके नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की अरब और रूस से मंगवाए जाते थे। हाथी जो थे वो मुख्यतः बंगाल से मंगवाए जाते थे। काजी उल कुजात सुल्तान के पश्चात न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सल्तनतकालीन कानून शरीयत कुरान और हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के चार महत्वपूर्ण स्रोत थे। कौन कौन से?
कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। अमीरों का महत्व बलबन अलाउद्दीन खिलजी के समय घट गया, लेकिन सैयद और लोदी के काल में काफ़ी बढ़ गया था। अभी चार्ट में सल्तनतकालीन सिक्के हैं। ये सिक्के किस शासक के काल में चला था, सिक्का का नाम क्या था, वो किस धातु से बना था। मोहम्मद गोरी के समय का सिक्का है दहलीवाल, लक्ष्मी का सिक्का दहलीवाल। ये सोना, चांदी और मिश्र धातु से बने होते थे। इल्तुतमिश के काल में टंका, पीतल और अदल का सिक्का चलाया था। इल्तुतमिश जो था वो टंका, पीतल और अदल का सिक्का चलवाया था, चांदी तांबा और तांबा और चांदी से मिल करके। जो धातु यूज़ हुए थे वो चांदी तांबा और तांबा चांदी का। बलबन चांदी का टंका और तांबा का और ये पीतल, ठीक है। बलबन ने कौन सा सिक्का चलवाया, माशा, किस चीज़ का था ये, जिस धातु का, चांदी का। मुबारक शाह खिलजी टकाए अलाई चलवाया था, सोने का। मोहम्मद बिन तुगलक सरागनी और अदली का सिक्का चलवाया था, चांदी का होता था और ये कांसे का। फिरोज शाह तुगलक अद्या और भीक सिक्का चलवाया था, अद्या तांबा और भीक चांदी का। मंत्रिपरिषद को मजलिसे खलवत कहा जाता था। इसके बाद आता है बहराम शाह, 1240 से 42 तक। इसके समय में नायबे मुमालिकत पद का सृजन हुआ था, जिस पर सर्वप्रथम इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को नियुक्त किया गया था। दिल्ली सल्तनत को अनेक प्रांतों में बांटा गया था, जो कि इक्ता कहलाते थे। इक्ता या सूबे का शासन नायब व वली या फिर नायब या वली या मुक्ति द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को सिक्कों में विभाजित किया गया था, शीकों में, शीको यानी जिलों में। शिकदार शीक का प्रमुख होता था, जो कि सैनिक पदाधिकारी था। शीकों को परगनों में विभाजित किया गया था। परगने का प्रमुख आमिल होता था। दुआब क्षेत्र में कुल 55 परगने थे। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर सादा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम। सल्तनत में बटाई प्रणाली को किस्मत गल्ला या गल्ला बख्शी और हासिल आदि नामों से जाना जाता था। सल्तनत काल में बटाई तीन प्रकार के थे। कौन कौन से, एक तो खेत बटाई होता था, दूसरा लंग बटाई होता था, तीसरा रास बटाई। खेत बटाई में क्या होता था, खड़ी फसल या फसल बोने के तुरंत बाद ही खेत बांट करके करों को निर्धारित करना होता था। लंग बटाई में भूसे से अलग किए बिना ही कटी फसल का बंटवारा करना, और रास बटाई में खलिहान में अनाज से भूसा अलग करने के बाद फसल का बंटवारा होता था। मुशरिफ नामक अधिकारी लगान निश्चित करता था। भूमि का नापजोक करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बलबन द्वारा एकता उत्तराधिकारियों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक के समय में जजिया भूमि कर से अलग करके वसूल किया जाता था। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। अब जो पॉइंट कवर होंगे वो सल्तनतकालीन साहित्य एवं संगीत के हैं। सल्तनतकालीन साहित्य कौन सा था और संगीत कौन कौन सा था। सल्तनत काल में लाहौर फारसी भाषा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित राजकीय पुस्तकालय का अध्यक्ष अमीर खुसरो था। तारीखी अलाई के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रारंभिक 15 वर्षों की घटनाओं का उल्लेख है तारीखी अलाई में। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में शास्त्रीय रचना राग दड़पर का फारसी में अनुवाद किया गया था। अब जानेंगे सल्तनतकालीन स्थापत्य के बारे में। कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुवत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। इसका भारतीय इस्लामिक शैली में निर्मित ये प्रथम साहित्य स्थापत्य है। इसका विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन ने करवाया था। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है और ये एक संस्कृत विद्यालय था। इसकी दीवारों पर हरि केली नाटक के अंश हैं। कुतुब मीनार निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था निर्माण कार्य। इल्तुतमिश ने 3 मंजिलें बनवाई, फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत और इसकी मंजिल बनवाई थी। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और ये दिल्ली में स्थित है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अतारकीन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था नागौर राजस्थान में।
हौजे शमशी इल्तुतमिश ने बदायूं में बनवाया है। हौजे शमशी अलाई दरवाज़ा, ये कुवत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया है, नाम से समझ में आ रहा है। यहाँ पे पहली बार घोड़े की नाल की आकृति में मेहराब बनाया गया है। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया है। ऊखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर राजस्थान में बनवाया है। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने निर्माण करवाया है। तुगलकाबाद का गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में स्थित है और ये पंचकोणीय मकबरा है। इसके अलावा आदिलाबाद किला दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया है। कोटला फिरोज शाह दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है। काली मस्जिद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित है। ये खाने जहां तेलंगानी का मकबरा निज़ामुद्दीन में स्थित ये अष्टकोणीय मकबरा है और इसका निर्माण जौना शाह ने करवाया है, खाने जहां द्वितीय ने। सल्तनतकालीन साहित्य लेखक है, पुस्तक और ये किस विषय पे है? अलबरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद, जिसमें कि ये भारतीय विज्ञान पर बना है। अलबरूनी की दूसरी पुस्तक है कानून मजौदी, जो कि खगोल शास्त्र पर है। और अलबरूनी की तीसरी पुस्तक है जवाहिर फिल जवाहिर, ये खनिज विज्ञान पर बना है। फिरोजाबादी की पुस्तक है क्वासूम, ये अरबी शब्दकोश है क्वासूम। हसन निज़ामी की पुस्तक है ताज उल मुआसिर, ये इलबरी इतिहास है इसमें। अबू बकर की पुस्तक है चचनामा, जिसमें कि सिंध का इतिहास है। बुखारी की पुस्तक है लुवाब उल अलाव, ये फारसी चैनिका है। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है तबकाते नासरी, इसमें 1260 तक मुस्लिम वंश का इतिहास है। अब इसके बाद ये चारों पुस्तकें अमीर खुसरो की है। खजाइन उल फुतू, जो कि अलाउद्दीन की अभियान के बारे में है। तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक के उदय के बारे में है। मिफ्ताह उल फुतू पुस्तक जलालुद्दीन के अभियान के बारे में है। और खामशा उनकी 5 प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? मुतला उल अनवर, शीरीन खुसरो, लैला मजनू, आईने सिकंदरी और हश्त बहिश्त का संग्रह। फिरोज़ तुगलक की पुस्तक है फुतुहाते फिरोज शाही, इसकी ये आत्मकथा है। गयासुद्दीन बरनी की पुस्तक है फतवाए जहादारी, जिसमें कि सांसारिक बातों पर न्यायिक सलाह है। ज़ियाउद्दीन बरनी की पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही, इसमें तुगलकों का इतिहास है। इसामी की पुस्तक है फुतू सलातीन, इसमें बहमनी साम्राज्य के बारे में है। फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा, जिसमें महमूद गजनवी के राज्य के बारे में है। इब्न बतूता की पुस्तक है किताब उल रहला, जिसमें ये किताब उल रहला ये यात्रा वृत्तांत है इसमें। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में विजयनगर साम्राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके दक्षिण भारत में 1336 में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली और अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। सबसे पहले आता है हरिहर प्रथम, 1336 से 56 तक। हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विजयनगर और विद्यानगर शहर की स्थापना की। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, इनकी राज्य भाषा तेलुगु थी। विजयनगर के शासकों ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहन दिया था। इसके बाद बुक्का प्रथम 1356 से 77 तक बहमनी शासक से मुदगल के किले का प्रसिद्ध युद्ध किया था बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सर्वप्रथम महाराजा धीराजे की उपाधि धारण की थी। इसके बाद आता है देवराय प्रथम 1406 से 22 तक, ये तुंगभद्रा नदी पर बांध निर्माण करवाया था देवराय प्रथम ने पहली बार मुसलमानों को विजयनगर की सेना में भर्ती कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था देवराय द्वितीय, इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को गजबेटकर भी कहा गया है एक अभिलेख में गजबेटकर कहा गया। गजबेटकर मतलब कि हाथियों का शिकारी। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक, सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है
इसके बाद कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। सालुव तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री और सेनापति था, सालुव तिम्बा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद, संस्कृत में जम्बावती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की है। देवराय के युग को तेलुगु साहित्य का गौरवशाली युग भी कहा जाता है, क्योंकि उनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ रहते थे, 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिसको कि अष्टदिग्गज भी कहा जाता है। अष्टदिग्गज किसके काल में, किसके शासन में रहते थे, तो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे, दरबारी कवि थे। इनमें अलसानी पेडना सबसे महत्वपूर्ण कवि था, जिन्हें की तेलुगु कविता का पितामह कहा गया है। इन्होंने स्वारोचित संभव या मनुचरित्र तथा हरिकथा सरणम की रचना की है। किसने किया है? अलसानी पेडना ने। अष्टदिग्गज में अन्य जो कवि थे वो थे तेनालीराम, जिनको कि ये पांडुरंग महामात्य थे। इसके अलावा नंदी तिम्मन, याद्यग्नि मल्लन, घुर्जरटी, भट्टमूर्ति, जिंगली रन और अचुल राजू रामचंद्र, ये रामाभ्युद संकलन सकल कथा और सार संग्रह के हैं रचयिता। राजशेखर चरित हैं याद्यज्ञ मल्लन, कलहसे महामाते हैं घुर्जरटी और नरस मुया मिल्यम के भट्टमूर्ति हैं, राघव पांडविय के जिंगली रन्न हैं। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नगर और हजारा विठ्ठल स्वामी मंदिरों का निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई थी। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इसे संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। वराड तालीकोटा के युद्ध में शामिल नहीं था। विदेशी यात्री सिविल तालीकोटा युद्ध का प्रत्यक्ष दर्शी था। इसके बाद अराविडु वंश 1570 से 72 ईस्वी। अराविडु वंश विजयनगर का चौथा राजवंश था, जिसकी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग द्वितीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडियार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद विजयनगर कालीन प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम कैसा था? तो पहले आप देखेंगे, प्रशासनिक इकाई कौन कौन सी थी, तो ये जो आप देखेंगे वो घटते क्रम है। सबसे बड़ी इकाई कौन थी, फिर उससे छोटी कौन थी, फिर उससे छोटी कौन थी। प्रांत को मंडल कहा जाता था, मंडल जो होता था उसको प्रांत कहा जाता था। कोट्टम या वेडनाडु जिला होता था, तो सबसे छोटा प्रांत, उसके बाद कोट्टम, फिर उसके बाद छोटा होता था कौन सा, नाडु मेलग्राम। 50 ग्राम के समूह को बोलते थे नाडु मेलग्राम। उसके बाद उर ग्राम को उर बोलते थे, सबसे बड़ा था आपका प्रांत, फिर उसके बाद वलनाडु, उससे छोटा फिर नाडु मेलग्राम जो कि 50 ग्राम का समूह होता था और उर एक ग्राम होता था, ठीक है, सबसे छोटा। विवाह कर वर और वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे, ये उन्हें कर नहीं देना होता था। विजयनगर के शासक उत्तराधिकारियों की नियुक्ति अपने जीवन काल में ही कर लिया करते थे। राजा और युवराज के बाद में केंद्र का मुख्य अधिकारी प्रधानी होता था, जो कि मराठा कालीन पेशवा के समरूप था। शासक अंगरक्षक के रूप में स्त्रियों को नियुक्त करते थे। आयंगर व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी व्यवस्था होती थी। इसमें स्थानीय स्वायत्त व्यवस्था की वास्तविक शक्ति 12 ग्रामीण अधिकारियों के हाथों में था। अधिकारियों का पद वंशानुगत था। कर्णिक
नामक आयंगर के पास में जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। इसके बाद जानिए नायंकर व्यवस्था के बारे में। ये व्यवस्था कैसी थी? विजयनगर प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी नायंकर व्यवस्था। विजयनगर कालीन नायक वस्तुतः भू सामंत होते थे, जिन्हें कि राजा वेतन के बदले में अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो कि अम्बरम कहलाता था। गवर्नरों को प्रायः दंडनायक कहा जाता था। न्यायालय चार प्रकार के होते थे, एक तो तटस्था, दूसरा चल, तीसरा मुद्रिता और चौथा शास्त्रता। विजयनगर साम्राज्य के क्रयदासों को बेसवर कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान होता था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। विजयनगर साम्राज्य के कर के बारे में जानिए। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख कर थे कदमई, मगमई, मगमाई, कनिकई, कतनम, वरम, भोगम, वारी, पत्तम, इराई और कत्तायम। विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर भी लिया जाता था। वे कृषक मजदूर जो कि भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, वो कोदी कहलाते थे। गोवा को बहमनी से सर्वप्रथम छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक था हरिहर द्वितीय। 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली का यात्री निकोलो डिकोंटी था, जो कि देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्य एवं संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना की थी। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां प्राप्त थी। नेक्स्ट चैप्टर है बहमनी साम्राज्य। दक्षिण भारत में फारस के सुल्तान बहमन दीन ने इस्कंदियार के वंशज हसन ने 1347 में तुगलक साम्राज्य से विद्रोह करके स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। हसन ने 11 अगस्त 1347 को अबुले मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाही उपाधि धार करके बहमनी साम्राज्य का पहला शासक बना। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य की राजभाषा मराठी और मुद्रा हूड थी। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था, बुक्का प्रथम के विरुद्ध बारूद का प्रयोग। फिरोज शाह बहमनी और देवराय प्रथम के बीच में सोनार की बेटी का युद्ध में देवराय प्रथम पराजित हुआ और उसे 1,00,000 का हर्जाना देना पड़ा था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने किया था। 1470-74 में रूसी यात्री अफनासी निकितिन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था और इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। फिरोज शाह ने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए दौलताबाद में एक वेदशाला का निर्माण कराया था। कहाँ पे? खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए कहाँ पे? दौलताबाद में। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटा करके बीदर में स्थापित कर दिया था और इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा था। मोहम्मद तृतीय के शासन में ख्वाजा जहां की उपाधि से सम्मानित महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में 1481-82 में राजद्रोह के आरोप में महमूद गवा को फांसी दे दी गई थी। बहमनी साम्राज्य के चार मुख्य प्रांत थे, कौन कौन से? दौलताबाद, बराज, बीदर और गुलबर्गा। कालांतर में बहमनी साम्राज्य 5 भागों में स्वतंत्र हो गया था। दौलताबाद का तरफदार, जिसका प्रांतपति मसनदे आली, और बरार का तरफदार मजलिसे आली कहलाता था। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के संरक्षण में फरिश्ता ने ऐतिहासिक ग्रंथ तारीख फरिश्ता की रचना की थी। नेक्स्ट चैप्टर है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में सबसे पहले आते हैं सूफी आंदोलन पे। सूफीवाद इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से शुरू हुआ था। सूफी शब्द का मतलब होता था पवित्रता। महिला रहस्यवादी राबिया 10वीं शताब्दी में और मंसूर बिन अलहाज जैसे प्रारंभिक सूफियों ने ईश्वर और व्यक्ति के बीच में प्रेम संबंध पर बहुत अधिक बल दिया था। वहदत उल वजूद का सिद्धांत शेख मोइनुद्दीन इब्न उल अरबी ने दिया। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते हैं उन्हें मुरीद कहा जाता था। चिश्ती परंपरा के बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें
खान का या मठ कहा जाता था। सूफी धर्म संघ बाशरा और बेशरा में विभाजित थे। बाशरा ये इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे और बेशरा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं थे। भारत में सर्वप्रथम सूफी शेख इस्माइल गजनवी के साथ लाहौर आया था। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जो कि 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ में भारत आए थे, चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र अजमेर था। अब ये प्रमुख सूफी सिलसिले हैं, ये सिलसिला किससे रिलेटेड है, संस्थापक कौन है, इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक रहा। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सामान्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप इसका प्रभाव क्षेत्र था। सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक हजरत बहाउद्दीन जकारिया था। प्रभाव क्षेत्र उच्च सिंध और मुल्तान था। कादरी सिलसिला का संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जलानी था। प्रभाव क्षेत्र इसका मुल्तान पंजाब था। सत्तारी सिलसिला का संस्थापक शाह अब्दुल्ला सत्तारी था। प्रभाव क्षेत्र इसका मध्य और पूर्वी भारत था। नक्शबंदी सिलसिला का संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला था। इसका प्रभाव क्षेत्र पंजाब एवं दिल्ली था। फिरदौसी सिलसिला का संस्थापक शेख बद्रुद्दीन था। इसका प्रभाव क्षेत्र बिहार था। कुब्रविया सिलसिला का संस्थापक मीर सैयद अली हमदानी था। इसका प्रभाव क्षेत्र कश्मीर था। कलंदरी सिलसिला का संस्थापक शेख अबूकर लूसी था और इसका प्रभाव क्षेत्र दिल्ली और पंजाब था। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। चिश्ती परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण संत थे बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निज़ामुद्दीन औलिया और शेख बुरहानुद्दीन गरीब। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के सात सुल्तानों का शासक देखा था। अपने जीवन काल में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने इनके मुख्य शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी। निज़ामुद्दीन औलिया के अनुसार कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, किंतु वे इसे अपनाते नहीं हैं। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना शेख शियाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने किया। इसके संचालन का श्रेय बद्रुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध और मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी सिलसिले ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया। फिरदौसी सिलसिले को शेख बद्रुद्दीन और अहमद यहया मनेरी ने लोकप्रिय बनाया था। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। सत्तारी सिलसिले की स्थापना शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने किया था, इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी सिलसिले की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में किया था। भारत में कादरी सिलसिले के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। राजकुमार दारा कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह का शिष्य था और राजकुमार दारा शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था। नक्शबंदी सिलसिले की भारत में स्थापना बाकी बिल्ला ने किया था। भारत में नक्शबंदी सिलसिले का व्यापक प्रचार किया था शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर के समय में। सूफी आंदोलन के बाद आते हैं भक्ति आंदोलन में। भक्ति आंदोलन तुर्क आगमन के पूर्व से अकबर के काल तक चलता रहा था। भक्ति आंदोलन ने मानव और ईश्वर के मध्य रहस्यवादी संबंधों को स्थापित करने पर बल दिया था। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के कारण क्या क्या थे, हिंदू धर्म की बुराइयां, हिंदू धर्म समन्वय, भक्ति संत और सूफी संतों के प्रचार, प्रमुख धर्माचार्य और संप्रदाय हैं ये। रामानुजाचार्य का दर्शन है विशिष्टता द्वैत, ये किस संप्रदाय से है, श्री संप्रदाय से। माध्वाचार्य का दर्शन है द्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय से। वल्भाचार्य का दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद, ये किस संप्रदाय से हैं, रुद्र संप्रदाय से। शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय से, दर्शन है अद्वैतवाद। निम्बकाचार्य द्वैतवादित संप्रदाय से, दर्शन है इनका सनक। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं थी, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। निर्गुण धारा के संत थे निराकार प्रभु में आस्था रखते थे और वैयक्तिक साधना और तपस्या पर बल देते थे, जैसे कि कबीर और नानक, ये निर्गुण धारा से के संत थे। सगुण धारा के संतों ने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कीर्तन आदि पर प्रचार किया, जैसे कि तुलसीदास, मीरा, सूरदास, चैतन्य और वल्भाचार्य आदि। छठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई थी, जो कि शीघ्र कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गया। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों ने 63 नयनार शैव संतों से किया था। और 63 नयनार शैव संतों ने किया।
प्रमुख संत हैं दक्षिण भारत से रामानुजाचार्य, 1060 से 1018 तक। रामानुजाचार्य ने राम को अपना आराध्य माना था। रामानुज ने वेदांत में शिक्षा अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त की थी। रामानुजाचार्य को श्री वैष्णव पंथ का संस्थापक माना जाता है। श्रीरंगम के विष्णु मंदिर के ये प्रधान पुजारी थे। इसके बाद ज्ञानेश्वर, 1271 से 1296। ज्ञानेश्वर ने भगवद गीता पर एक टीका भागवतार्थ दीपिका लिखी थी। ये पुस्तक महाराष्ट्र के भक्तिवाद का स्रोत है, जो कि लंबे भजन के रूप में धार्मिक उपदेश है। अलवार संत एकेश्वरवादी थे। ये विष्णु की भक्ति और पूजा से मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। नैनार संत शिव भक्त होते थे। इनकी संख्या 63 बताई जाती है। नैनारों के भक्ति गीतों को देवाराम नामक संकलन में संकलित किया गया है। प्रमुख नैनार संत हैं तिरुनावुक्करशु, तिरुज्ञान, सबदन, संबद, संबदर, सुंदर, भूति और मणिक्कवाचार। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। वैष्णव संत महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए थे। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वर्करी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि ये हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थयात्रा पर जाते थे। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई थी। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। शंकराचार्य के बारे में जानिए। शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल में अलवर नदी के तट पर कलादी ग्राम में 788 में। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद और नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना की। इन्होंने जगत को मिथ्या और ईश्वर को सत्य माना है। इन्होंने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर बल दिया है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है, शंकराचार्य को। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य उपदेश और साहसी मरीषा पच्चम। दक्षिण भारत की बात आई, उत्तर भारत में उत्तर भारत के संत हैं रामानंद, सूरदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, दादू दयाल और मलुकदास। रामानंद के शिष्य धन्ना, पीपा, रैदास, कबीर और पद्मावती। सबसे पहले हम बात करेंगे रामानंद के बारे में। रामानंद 1360 से 1470 ईस्वी तक इनका जन्म हुआ था प्रयाग में। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। रामानंद ने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया है। रामानंद ने अपना उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिया है। रामानंद ने पद्मावती और सुरसी नामक महिलाओं को शिष्य बनाया था। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। निर्गुण से कबीरदास, 1440 से 1540 ईस्वी। कबीर वाराणसी लहरतारा तालाब में शिशु के रूप में पाए गए थे। जुलाहा नीरू और उनकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए और इस बालक का नाम कबीर रख दिया। कबीर ने राम, रहीम, हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने हैं। इन्होंने एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की है और निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया है। धन्ना का जन्म हुआ तो 1415 में एक जाट परिवार में। वो बनारस आकर के रामानंद के शिष्य बन गए। रैदास जाति से चमार थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबिनिया था। मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु बनाया था। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। शंकरदेव 1449 से 1568। शंकरदेव विष्णु कृष्ण के भक्त। शंकरदेव असम के धर्म सुधारक थे। इनके धर्म का नाम था महापुरुषीय धर्म। गुरु नानक का जन्म 1469 में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात हैं। अपनी माता का नाम तृप्ता देवी और उनकी माता का नाम गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालू मेहता था। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणा से उनका विवाह हुआ था। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अब सिख संप्रदाय के 10 गुरु थे। कौन कौन से? सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक। ये सिख धर्म के संस्थापक भी थे। गुरु अंगद दूसरे गुरु थे, गुरुमुखी लिपि के जनक। तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास। गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण किया इन्होंने। चौथे गुरु हैं
गुरु रामदास, अमृतसर के संस्थापक हैं ये। पांचवे गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। ये गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन इन्होंने किया है अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? अर्जुन देव ने। और जहांगीर ने किसको फांसी दी थी? गुरु अर्जुन देव। तो चौथे सिख गुरु को फांसी दिया था जहांगीर ने, पांचवे गुरु को। छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद। ये अकाल तख्त की स्थापना किया था इन्होंने, गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की है। सातवे गुरु हैं गुरु हर राय। मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। आठवें गुरु हैं गुरु हरकिशन। ये अल्पवयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। नवे गुरु थे गुरु तेग बहादुर। ये औरंगजेब ने इनको फांसी दे दिया था नवे गुरु को। और दसवें गुरु बने गुरु गोविंद सिंह। ये खालसा सेना का गठन गुरु गोविंद सिंह ने किया है। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। गुरु नानक की मृत्यु 1538-39 में करतारपुर में हुआ था। अन्य भक्ति संत थे सूरदास, 1479-1589। सूरदास संत होने के साथ एक महान कवि भी थे। सूरदास की रचनाएं हैं सुरसागर, साहित्य रत्न, सुरसरावली। सुरसागर में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन मिलता है सुरसागर में। ये पुस्तक ब्रजभाषा में है। वल्भाचार्य। वल्भाचार्य एक तेलंग ब्राह्मण थे। श्री वल्भाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्टा था और माता का नाम यल्लमगरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ था। सुंदरदास। सुंदरदास का जन्म हुआ था राजस्थान में वैश्य परिवार में। वे दादू दयाल के शिष्य थे और कवि और संत थे। सुंदरदास के विचार सुंदर विलास नामक पुस्तक में मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास 1532-1323 तक इनका काल रहा था। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। इन्होंने 1574-75 में रामचरितमानस की रचना अवधि भाषा में की थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। वीरभान। वीरभान का जन्म 1543 में हुआ था नौल हरियाणा में। इन्होंने सतनामियों के संप्रदाय की स्थापना की थी। वीरभान ने सतनामियों के संप्रदाय की स्थापना की। सतनामियों की धर्म पुस्तक का नाम पोथी है। दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद में। इनके अनुयायी दादूपंथी कहलाते हैं। ये कबीर के अनुयायी थे। इनका संबंध धुनिया जाति से था। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। चैतन्य। चैतन्य का जन्म हुआ था नदिया बंगाल के मायापुर गांव में। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शची देवी था। चैतन्य को निमाई पंडित कहा जाता था। चैतन्य गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया था। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदा भेदवाद के नाम से जाना जाता है। शंकर देव ने सर्वोच्च देवता की महिला सहयोगी को मान्यता प्रदान की थी। शंकर देव एकमात्र ऐसे कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जिन्होंने कृष्ण की मूर्ति के रूप में पूजा का विरोध किया था। संत ज्ञानेश्वर। इन्होंने महाराष्ट्र में भागवत धर्म की आधारशिला रखी थी। ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखा था। नामदेव। ज्ञानेश्वर के शिष्य और बरगरी संप्रदाय के संत थे नामदेव। इन्होंने ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती दी और जाति प्रथा का विरोध किया था। तुकाराम। तुकाराम महाराष्ट्र के सबसे महान कवि हुए थे। ईश्वर के प्रति इनका विचार कबीर से मिलता था। तुकाराम की उपदेश है अभंगों में संकलित है। तुकाराम की उपदेश अभंगों में संकलित है। रामदास। रामदास बाल्यावस्था में ही अनाथ हो गए थे और इन्होंने भ्रमण करते हुए तपस्या में जीवन व्यतीत किया है और इन्होंने भक्ति और कर्म योग दोनों पर जोर दिया था रामदास ने। इनका मुख्य ग्रंथ है दासबोध। नेक्स्ट चैप्टर है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में सबसे पहला है बाबर। 1526-30 तक ये था। बाबर जो है वो पितृवंश की ओर से तैमूर का पंचम वंशज और मातृवंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी और अब तक किसी तैमूर शासक ने ये धारण नहीं किया था, अब तक किसी ने भी। बाबर के चार पुत्र थे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलग्मा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था।
उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने कि पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर के मात्र दो सरदार थे जिसको बीर कहा जाता था, ख्वाजा कला और मीर मरान। दो ही ऐसे सरदार थे जो कि पानीपत के युद्ध के बाद में वापस काबुल जाने की इच्छा व्यक्त की थी। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा युद्ध का वर्णन श्यामल दास लेखक की कृति वीर विनोद में किया गया है। 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर का शव आगरा में नूर अफगान, जिसका आधुनिक ये आराम बाग है, नूर अफगान बाग में दफनाया गया था, और परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी बाबरनामा की रचना की है, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खानवा ने किया। बाबर द्वारा लड़े गए ये प्रमुख युद्ध हैं। 21 अप्रैल 1536 से पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने लड़ा था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें कि बाबर विजयी रहा था। इसके बाद 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच में, इसमें बाबर जीत गया था। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध लड़ा था बाबर ने मेदनी राय के साथ में, जिसमें कि वो विजयी हुआ। इसके बाद 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध लड़ा बाबर ने अफगान के साथ में और विजयी हुआ। बाबर के बाद आता है हुमायूं 1530 से 1556 तक। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। हुमायूं की माँ माहिम बेगम शिया मत में विश्वास रखती थी। हुमायूं दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, फलित ज्योतिष और गणित का ज्ञाता था। 30 सितंबर 1530 को 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। आगरा की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बल्ख शाह का सूबेदार था। हुमायूं ने काबुल, कंधार, पंजाब की सूबेदारी, कामरान को संभल की सूबेदारी, अस्करी को अलवर और मेवाड़ की सूबेदारी, हिंदाल को बादशाह की सूबेदारी अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को प्रदान कर दिया। हुमायूं ने 1533 में दिल्ली में दीन पनाह नामक नया भवन बनवाया था। चौसा युद्ध बक्सर के निकट 25 जून 1539 को शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा था। इसके बाद बिलग्राम या कन्नौज में 17 मई 1540 को शेर खां और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ, जिसे कि शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो ये मुगल और अफगान युद्ध हुए हैं। कब कब हुआ है, कौन कौन सा युद्ध? 1531 में देवरा का युद्ध हुआ था हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में। 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। 1540 में कन्नौज बेलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था बैरम खां और सिकंदर सूर के बीच में। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया था, जहां पे 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों के जैसा वो निर्वासित जीवन व्यतीत करता था। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं पंजाब के सूरी शासक सिकंदर शाह को 1555 में पराजित करके पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। 1 जनवरी 1556 को दीन पना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। लेनपुर के अनुसार हुमायूं ने जिस प्रकार लुढ़क लुढ़क करके जीवन व्यतीत किया था, ठीक उसी तरीके से उन मुसीबतों से बाहर निकल आया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। आगे जो पॉइंट है उसमें आपको शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारी के बारे में पता चलेगा। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार के जमींदार थे। शेरशाह का असली नाम था फरीद। इसका जन्म हुआ था 1472 में बजवाड़ा, पंजाब, होशियारपुर में। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर के बिहार के अफगान शासक मोहम्मद बहार खां लुहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। 1527 में शेर खां ने मुगलों की नौकरी कर ली थी और उसके प्रशासन और सैनिक दोषों का अध्ययन करके 1528 में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद शेर खां ने दक्षिण बिहार के जलाल खां के रक्षक व शिक्षक के रूप में नौकरी कर ली। जलाल खां की मृत्यु 1528 में शेर खां वहाँ का 1528 में जलाल खां की मृत्यु हुआ था और उसके बाद शेर खां वहां का नायब सूबेदार अथवा वकील नियुक्त किया गया। कालांतर में तो मुगल शासक हुमायूं से संघर्ष करके
बिलग्राम युद्ध में 1540 में शेर खां दिल्ली के गद्दी पर बैठा। शेर खां ने मारवाड़ अभियान के संदर्भ में कहा है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। 22 मई 1545 में कालिंजर किले को जीतने के क्रम में उक्का नामक आग्नेय शास्त्र चलाते हुए शेरशाह की मृत्यु हो गई। उस समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया। शेरखां ने भूमि की माप के लिए 29 अंगुल या 32 इंच भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। 32 इंच का शेरशाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपये और 380 ग्रेन के तांबे का दाम नामक सिक्का चलवाया था। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग और कन्नौज के स्थान पर शेरसो नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय में पैदावार लगभग एक तिहाई भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने किया था। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनर्स्थापित कर लिया। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। ग्रैंड ट्रंक रोड की डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद आता है अकबर, 1556 से 1605 तक अकबर का काल। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म अमरकोट सिंध क्षेत्र के राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो बेगम ने जन्म दिया था। 1552 में मात्र 9 वर्ष की आयु में अकबर को मुनीम खां के संरक्षण में गजनी का गवर्नर नियुक्त किया था। 1555 में अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया गया। 13 साल 14 महीने की उम्र में अकबर पर मुगलिया वंश का ताज रख दिया गया। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खां ने कलानौर गुरदासपुर पंजाब में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा था। दिल्ली में हेमू मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। हेमू ने मुगल गवर्नर तर्दी बे खां को मार भगाया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अकबर बैरम खां के नेतृत्व में और हेमू के बीच में 15 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में संघर्ष हुआ, जिसमें कि अकबर विजय हुआ था। ये पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1556 से 60 तक के शासन में अकबर के ऊपर धाई मा महम अनगा और उसके संबंधियों का अधिक प्रभाव रहा था, जिसे कि इतिहासकारों ने पेटीकोट शासक की संज्ञा दी है। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व तो मानसिंह और आसफ खान ने किया था। अकबर ने जैन धर्म जैनाचार्य हरि विजय सूर्य को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित हुआ था। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद था। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के अन्य प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख संगीतकार तानसेन, बाजबहादुर बाबा रामदास और बैजू बावरा थे। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनकी मुख्य कृतियाँ थी मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग इत्यादि। कंठाभरण वाले विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को प्रदान किया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को और जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को अतिसार रोग के कारण हुआ था। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। यूसुफ जयो के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। 1602 में सलीम के निर्देश पर दक्षिण भारत से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल की हत्या रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने कर दी थी।
मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां अब्दुल कादिर बंदावी ने और शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद किया और महाभारत का नाम रजमनामा रखा, युद्धों की पुस्तक। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। इसने सूरदास रचित नल दमयंती का फारसी में अनुवाद सहेली के नाम से किया था। अबुल फजल दीने इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अबुल फजल ने अकबर की प्रेरणा से अकबरनामा ग्रंथ की रचना की और ये ग्रंथ 3 भागों में विभक्त थे। आईने अकबरी इसी ग्रंथ का 3रा खंड है। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल और अनवरे सादात नाम से और मौलाना हुसैन फैज ने यारे दानिश नाम से किया है। अकबर के नवरत्न के बारे में आप जानेंगे। पहले रत्न बीरबल, इनका नाम कालपी में हुआ था, जन्म कालपी में हुआ था। बचपन का नाम महेश दास था। अकबर ने इन्हें कविराज और राजा की उपाधि और 2000 का मनसब प्रदान किया था। ये अकबर के न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी थे बीरबल। दूसरा रत्न अबुल फजल, इन्होंने आईने अकबरी अकबरनामा की रचना की। अबुल फजल दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे। इनकी हत्या शहजादा सलीम ने करवाई थी। तीसरे रत्न है तानसेन, अकबर ने इन्हें कंठ भारर वाड़ी विलास की उपाधि दी थी। इनके समय सुभद्र गायन शैली का विकास हुआ था। चौथे रत्न अब्दुल रहीम खाने खाना, ये बैरम खां का पुत्र था। इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। पांचवा रत्न मानसिंह, ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र और भगवान दास के पुत्र थे। अकबर के मेवाड़, हल्दीघाटी, काबुल, बंगाल एवं बिहार के अभियानों में मुख्य भूमिका निभाया था मानसिंह ने। छठे रत्न टोडरमल, इनका जन्म अवध के सीतापुर में हुआ था। अकबर के शासन में दहशाला की व्यवस्था की थी इसने, भूमि सुधार की। अगले रत्न सातवें फैजी, अकबर ने इन्हें राजकवि के पद पर आसीन किया था। इन्होंने गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। आठवें रत्न हकीम हुकाम, ये अकबर के रसोई घर का कार्य संभालते थे। और नौवें रत्न मुल्ला दोप्याजा, ये अपनी बुद्धिमानी व वाक्पटुता के कारण नव रत्नों में शामिल था, मुल्ला दोप्याला प्याजा। इसके बाद आते हैं जहांगीर के बारे में, 1605 से 27 तक। इसके बाद कुछ पॉइंट है जहांगीर के बारे में, 1605 से 27 तक। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। अकबर का नाम सलीम, तो अकबर सलीम को प्यार से शेखू बाबा पुकारता था। अब्दुल रहीम खान खाना को सलीम अतालिक यानी शिक्षक नियुक्त किया था। सलीम फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा का ज्ञाता था। 24 अक्टूबर 1605 को सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से आगरा की गद्दी पर बैठा। किस नाम से? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह के नाम से। सलीम का पहला विवाह जयपुर आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मानबाई से 13 फरवरी 1585 को हुआ था, पहला विवाह। इसके बाद सलीम ने मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी थी। सलीम के सबसे बड़े पुत्र खुसरो का नाम शाह बेगम के गर्भ से हुआ था। मानबाई ने सलीम की शराबखोरी से तंग आकर के आत्महत्या कर ली थी। 1586 में सलीम का दूसरा विवाह हुआ उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से, और जिससे कि शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ, शाहजहाँ का नाम शहजादा खुर्रम था। जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार का जन्म एक रखेल से हुआ था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। इसके पास 70 गज लंबी और 60 घंटियों वाली थी। ये जंजीर सोने की बनी थी, जो कि आगरे के किले के शाहबुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। बदायूनी के अनुसार सलीम ने 1591 में अकबर को जहर देकर मारने का प्रयास किया था। इसके बाद जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच में युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ था। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर के जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाही अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरू निस्सा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुआ था।
महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना करवाई थी। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल अस्त्र और नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। 1626 में नूरजहां बेगम को बेगम द्वारा निर्मित एतमादुद्दौला का मकबरा मुगल कालीन प्रथम ऐसी इमारत है जो कि पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा नामक रत्न जड़ाऊ शैली का प्रयोग किया गया है। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री आए थे। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को हुआ था और जहांगीर की मृत्यु भीमवार जगह पे हुआ था, भीमवार स्थान पर। जहांगीर के शव को शाहदरा लाहौर में रावी नदी के निकट रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। शाहजहां 1627 से 58 ईस्वी। शाहजहां का नाम खुर्रम था। जन्म 5 फरवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। शाहजहां का विवाह आसफ खां के पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जिनको आप मुमताज महल के नाम से जानते हैं। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां के ससुर आसफ खां ने खुसरो के पुत्र दार बख्श को तत्कालिक तौर पर बादशाह बना दिया। शहरयार ने लाहौर में स्वयं को बादशाह घोषित कर लिया। आसफ खां ने आक्रमण करके शहरयार की आंखें निकलवा दी थी। शाहजहां के द्वारा आसफ खां को वजीर का पद और महावत खां को खानखाना की उपाधि दी गई। इसके बाद 24 फरवरी 1628 को शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किराने शानी शाहजहां के नाम से शासक बना। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किराने शानी शाहजहां। शाहजहां ने सिजदा और पायबोस की प्रथा समाप्त कर दी और चहार तस्लीम प्रथा शुरू की। कौन सी? चहार तस्लीम प्रथा शुरू की, सिजदा और पायबोस की प्रथा को समाप्त कर दिया। शाहजहां ने अपने शासन के 11वें वर्ष झरोखा दर्शन और 12वें वर्ष तुलादान प्रथा को समाप्त करवाया था। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल। ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौर था। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि प्रदान की थी। किसको? लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। इसने सरे अकबर, यानी ये एक महान रहस्य था, सरे अकबर इस नाम से उपनिषदों का अनुवाद भी करवाया था। दारा की हत्या 30 अगस्त 1659 को कर दी गई थी और इसे हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करवाया व दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई थी। सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। औरंगजेब ने सितंबर 1658 में शाहजहां को कैद कर लिया और 31 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की आयु में कैदी के रूप में शाहजहां की मृत्यु हो गई। इसके बाद आता है औरंगजेब आलमगीर 1658 से 1707 तक। औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर गुजरात में मुमताज महल के गर्भ से। औरंगजेब के बचपन का नाम अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। अधिकांश समय जो है बचपन का औरंगजेब का नूरजहां के पास में बीता। पीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु थे। 18 मई 1637 को औरंगजेब का विवाह फारसी राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से हुआ था। इनको राबिया बीबी के नाम से आप जानते हैं।
औरंगजेब ने अपना प्रथम राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुयुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया और देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद शाहजहां के शानदार महल में 15 जून 1659 को दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया। प्रथम अभिषेक अबुल मुजफ्फर मुयुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। 1669 में औरंगजेब ने मुस्लिम पर्व मुहर्रम मनाना बंद करवा दिया। औरंगजेब ने मुहर्रम मनाना बंद करवाया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1679 में जजिया कर फिर से लागू कर दिया औरंगजेब ने, और 1665 में हिंदुओं के होली के त्यौहारों पर भी प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने। इसके बाद 1702 में हिंदुओं की अंगूठियों पर हिंदू देवी देवताओं के नाम खुदवाने की मनाही की गई। 1703 में अहमदाबाद में साबरमती के तट पर मुर्दों की अंत्येष्टि पर भी प्रतिबंध लगाया औरंगजेब ने। औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक था, 337। औरंगजेब ने सर्वप्रथम 18 करों को समाप्त किया। कौन कौन से? जैसे कि आपके राहदारी, पिंडारी भूमि कर होता था, और गृह कर। इस तरीके से टोटल 18 करों को लगभग औरंगजेब ने समाप्त किया था। औरंगजेब ने प्रजा के चरित्र की निगरानी करने के लिए मुहत्सिब नामक अधिकारी नियुक्त किया था। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दिया था। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता और राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने किया था। जय सिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुआ था। इसके बाद मई 1666 को आगरे के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ पर शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। बीबी के मकबरे का निर्माण कब हुआ था? 1679 में किसने करवाया? तो औरंगजेब ने करवाया। 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुआ था। अब आगे इस बॉक्स में औरंगजेब के काल में जो प्रमुख विद्रोह हुए थे, उस विद्रोह को आप जानिए। जाट विद्रोह हुआ था, 1667 से 1688 तक चला था जाट विद्रोह। इसमें नेता थे गोकुल, राजाराम और चूड़ामन। इसके बाद अफगान विद्रोह हुआ था, 1667 से 1772 के बीच में अफगान विद्रोह भी हुआ था। इसमें नेता थे भागू और अकमल खां। सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ था, सतनामी अनुयायी नेता थे। बुंदेला विद्रोह 1661 से 1707 तक चला, इसमें नेता थे चंपत राय, जुझार सिंह और छत्रसाल। राजपूतों का विद्रोह 1679 से 1709 तक चला था, दुर्गादास राठौर नेता थे इस विद्रोह के। सिख विद्रोह हुआ था 1675, मतलब उनकी मृत्यु तक सिख विद्रोह चला। इसमें नेता कौन कौन थे इस विद्रोह के? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और बंदा बहादुर सिख विद्रोह के नेता थे। मुगलकालीन सिक्के के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण करवाया था, जिसका अध्यक्ष अब्दुल रसमत को बनाया गया था। अकबर ने असीरगढ़ विजय की स्मृति में अपने सिक्के पर बाजे की आकृति अंकित कराई थी। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई किसके समय में हुआ था? तो औरंगजेब के समय में हुआ था। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने किया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी। जहांगीर के समय में सिक्कों पर उसकी आकृति बनती थी, और साथ ही उस पर अपना और नूरजहां का नाम भी अंकित करवाया था। सबसे बड़ा सिक्का शंसब सोने का था। इलाही सबसे प्रचलित स्वर्ण सिक्का था। औरंगजेब के टाइम का जो इलाही सिक्का था, वो सबसे प्रचलित स्वर्ण सिक्का था। चांदी का रुपया मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार था। दाम का प्रयोग दैनिक लेन देन में किया जाता था। 40 दाम का एक सिक्का रुपया होता था। मुगलकालीन साहित्य के बारे में जानिए, तो बाबर ने एक नई काव्य शैली मुबैयान को प्रारंभ किया था। हुमायूं के काल में तारीख़ रशीदी की रचना मिर्ज़ा हैदर दोगलत ने किया था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। ये कौन थे? हुमायूं की बहन थी।
जिसके एक भाग में हुमायूं नामा के एक भाग में बाबर का इतिहास था और दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास मिलता है। दरबारी इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। अब इस बॉक्स में आप मुगलकालीन साहित्य के बारे में देखिए। तुर्की भाषा तुजुके बाबरी के लेखक बाबर थे। फारसी भाषा में हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम थी, ये बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन। अकबर नामा अबुल फजल, ये सारे फारसी भाषा में ये साहित्य हैं और ये तुजुके बाबरी ये तुर्की भाषा में है, ठीक है। अकबर नामा के लेखक अबुल फजल, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल, तबकाते अकबरी के लेखक निज़ामुद्दीन अहमद, ताज की रात उल वाकियात के लेखक जौहर आफ्तावाची, जौहर आफ्तावाची ताज की रात उल वाकियात के लेखक हैं। तारीख़े शेरशाही के लेखक अब्बास खां सरवानी, मुंतखब उल तवारिक के लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी, तज़किराए हुमायूं के लेखक बयाज़िद बायत, तुजुके जहांगीरी के लेखक जहांगीर हैं। मौतमिद खान ने पूर्ण किया था इस साहित्य को। इकबाल नामाए जहांगीरी के लेखक मौतमिद खान, मसारे जहांगीरी के लेखक ख्वाजा कामगार, मकजबे अफगानी के लेखक नियातम अल्लाह, तारीख़े फरिश्ता के लेखक मोहम्मद कासिम फरिश्ता, मासरे रहीनी के लेखक मुल्ला नहवंदी, बादशाह नामा के लेखक मोहम्मद अमीन कज़विनी, पाशा नामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी, शाहजहाँ नामा के लेखक इनायत खान, आलम साले के लेखक मोहम्मद सालेह, मुनखब एल लुबाब के लेखक खाफी खां, आलमगीर नामा के लेखक काजिम शिराजी, नुक्शा दिलकुशा के लेखक भीमसेन, फुतुहात आलमगीरी के लेखक ईश्वरदास नागर, वाकियात आलमगीरी के लेखक आकिल खां थे, मासिर आलमगीरी के लेखक मोहम्मद शाकि मुस्तैद खां, खुलासा उल तवारीख के लेखक सुजान खां थे, सियार उल मुतखरीन के लेखक गुलाम हुसैन, तवारीख मुजफ्फरी के लेखक मोहम्मद अली और मजमा उल बहरीन के लेखक है दारा शिको। बदायूनी के द्वारा लिखित मुनखब उल तवारीख को हिंदुस्तान का आम इतिहास कहा जाता है। औरंगजेब के समय मोहम्मद साकी द्वारा लिखी गई मासिर आलमगीरी को मुगल राज्य का गजेटियर कहा जाता है। अब जानिए मुगलकालीन वास्तुकला के बारे में। तो आगरा में स्थित फतेहपुर सिकरी का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। पंचमहल सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम उज जमानी महल फतेहपुर सिकरी में अवस्थित है। अकबर की धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के परिणाम स्वरूप फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना की गई। ये आराधना गृह था। 1578 में इबादत खाने को धर्म संसद में परिवर्तित कर दिया गया। अब ये फारसी भाषा में अनुवादित पुस्तकें हैं। महाभारत संस्कृत में बदायूनी के द्वारा, रामायण बदायूनी के द्वारा, अथर्ववेद बदायूनी हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने पूर्ण किया था, लीलावती फैजी के द्वारा, रास तरंगिणी शाह मोहम्मद शाहबादी ने इसका फारसी भाषा में अनुवादित ये पुस्तक बनाई, कालिया दमन अबुल फजल, नल दमयंती फैजी, हरिवंश मौलाना शेरी। इसके अलावा 50 उपनिषद भगवत गीता के योग वशिष्ठ दारा शिको ने फारसी भाषा में। अब ये हिंदी भाषा की पुस्तकें हैं। किसके द्वारा रचित है? रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा, विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा, सुरसागर सूरदास के द्वारा, प्रेम वाटिका रसखान की पुस्तक है, सुंदर श्रृंगार सुंदर कविराय द्वारा रचित है, कवित रत्नाकर सेनापति के द्वारा, कविंद्र कल्पतरु कविंद्र आचार्य के द्वारा। कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जिनको याद करना ईजी है क्योंकि वो नाम से रिलेटेड नाम है। कवि प्रिया रसिक प्रिया अलंकार मंजरी और रामचंद्रिका केशवदास की पुस्तक है। अब ये संस्कृत की कुछ पुस्तकें हैं किनके द्वारा रचित है? अकबर शाहे श्रृंगार दर्पण पदम सुंदर द्वारा, भानुचंद चरित्र आचार्य सिद्धचंद्र उपाध्याय द्वारा, रस गंधार गंगाल हरि जगन्नाथ पंडित के द्वारा। मुगल काले निर्माण कार्य ये हैं, किस स्थान पे इनका निर्माण हुआ है। काबुली बाग कहाँ पे है? पानीपत में।
बाबर ने निर्माण करवाया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने करवाया। जामा मस्जिद का निर्माण संबल हेल में बाबर के द्वारा कराया गया। आगरा की मस्जिद का निर्माण आगरा में हुमायूं ने करवाया। दीनपना नगर का निर्माण दिल्ली में हुमायूं ने करवाया। पुरान किला का दिल्ली में शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया। रोहतासगढ़ का किला सीमा प्रांत में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी ने करवाया है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में हमीदा बानो बेगम ने करवाया। आगरा का किला का निर्माण आगरा में अकबर ने करवाया। जहांगीरी महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में हुआ है, अकबर ने करवाया है। अभी कुछ जगह हैं जो कि अकबर ने निर्माण करवाया है, जहांगीर महल का, आगरा के किले का, फतेहपुर सिकरी का, फतेहपुर सिकरी महल फतेहपुर सिकरी में ही है, जोधाबाई का महल फतेहपुर सिकरी में है, अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया है। मरियम की कोठी फतेहपुर सिकरी में है, अकबर ने निर्माण करवाया है। बीरबल का महल भी फतेहपुर सिकरी में है और अकबर ने इसका निर्माण करवाया है। पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया है फतेहपुर सिकरी में। तुर्की सुल्तान की कोठी भी फतेहपुर सिकरी में है, अकबर ने निर्माण करवाया है। खास महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सब फतेहपुर सिकरी में है और अकबर ने निर्माण करवाया है। लेकिन अकबर का मकबरा आप सोचेंगे कि अकबर ने निर्माण करवाया है, तो नहीं, ये जहांगीर ने निर्माण करवाया है सिकंदरा में। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने निर्माण करवाया है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने नहीं बल्कि नूरजहां ने करवाया है शाहदरा लाहौर में। आगरा महल का निर्माण शाहजहां ने आगरा में करवाया है। अब ये कुछ स्थान हैं जिनका निर्माण आगरा में शाहजहां ने करवाया है, जैसे कि आगरा महल, शीश महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, ये सारे आगरा में शाहजहां ने निर्माण करवाया है। इसके बाद जहां आरा ने आगरा में जामा मस्जिद बनवाया, जहां आरा ने। अब ये कुछ जग महल है, चीज़ें हैं जो कि शाहजहां ने निर्माण करवाया, जैसे कि ताजमहल दिल्ली आगरा में शाहजहां ने बनवाया है। शाहजहानाबाद दिल्ली में शाहजहां ने निर्माण करवाया है। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने दिल्ली में करवाया है। दीवाने आम, रंग महल, जामा मस्जिद, ये सब जगह दिल्ली में है जो कि शाहजहां ने बनवाए हैं। रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है, औरंगजेब ने निर्माण करवाया है। बादशाही मस्जिद का निर्माण लाहौर में औरंगजेब ने करवाया है और मोती मस्जिद का भी निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ पे? लाल किले में है मोती मस्जिद। इसके बाद अगला चैप्टर है मराठा शक्ति का अभ्युदय। मराठा शक्ति का अभ्युदय की बात होती है तो सबसे पहले आते हैं शिवाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं शिवाजी। जन्म हुआ है 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था, जीजाबाई। जीजाबाई देवगिरी के महान जागीरदार यादव राय की पुत्री थी। शिवाजी का विवाह हुआ था साईबाई निम्बालकर से 1640 में। शिवाजी के गुरु दादाजी कोंडदेव थे। वैसे तो आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचार्य पर सर्वाधिक प्रभु गुरु रामदास का पड़ा था। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने सर्वप्रथम 19 वर्ष की आयु में 1646 में बीजापुर रियासत के तोरड़ किले पर अधिकार कर लिया था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1660 में शाइस्ता खां को दक्षिण का राज्यपाल नियुक्त किया था। अप्रैल 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां के निवास स्थान पर आक्रमण करके उसका अंगूठा काट दिया और शाइस्ता खां के पुत्र की हत्या करा दी थी। इसके बाद दिसंबर 1663 में शाइस्ता खां को बंगाल स्थानांतरित कर दिया। 1664 और 70 में शिवाजी ने सूरत में भयंकर लूटपाट किया। औरंगजेब ने मार्च 1665 में राजा जय सिंह के दक्षिण की बागडोर सौंपी थी। राजा जय सिंह को 23 जून 1665 को जय सिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को देकर के मात्र 12 किले अपने अधिकार में रखे। शिवाजी के पुत्र शंभाजी को मुगल दरबार में 5,000 मनसबदार बना करके एक जागीर दे दी गई। इसके बाद 22 मई 1666 में शिवाजी के साथ पुत्र शंभाजी आगरा पहुंचे। यहीं पर शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया। शिवाजी को औरंगजेब में मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया गया, जहां पे 16 अगस्त 1666 को वहां से वो भाग निकले। इसके बाद 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति हेन्दो धर्माद्वारक एवं
गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की सेवा जी ने। गंगा भट्ट वाराणसी का एक सम्मानित ब्राह्मण थे। मात्र 53 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में जानिए तो सबसे पहले शंभाजी हैं। 1680 से 1779 तक शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र शंभाजी मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। औरंगजेब ने 1689 में शंभाजी और उसके सहयोगी कवि कलश की हत्या कर दी। इसके बाद आता है राजा राम 1679 से 1700। शंभाजी की हत्या के बाद शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम को छत्रपति घोषित किया गया। इसकी राजधानी सतारा थी। 1700 में इनकी मृत्यु के बाद सिंहगढ़ में ताराबाई का प्रभुत्व था, जो कि राजा राम की विधवा रानी थी। इन्होंने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय का समर्थन किया था। इसके बाद तीसरा उत्तराधिकारी बनता है शिवाजी द्वितीय 1700 से 1707 तक। राजा राम की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बना था। राजा राम की पत्नी संरक्षिका बनी थी, और राजा राम की पत्नी कौन थी? संरक्षिका। ताराबाई के समय में मराठों का पुनः उत्कर्ष हुआ था। चौथा उत्तराधिकारी छत्रपति शाहू जी 1707 से 1749 तक। ये शंभाजी के पुत्र थे छत्रपति शाहू जी। औरंगजेब ने 1689 को शंभाजी के साथ में शाहू जी को भी बंदी बना लिया था। 18 वर्षों तक बंदी जीवन बिताने के बाद 1707 में बहादुर शाह प्रथम ने उससे मुक्त कर दिया था। फिर 1707 में शाहू ने स्वयं को मराठा राज्य का शासक घोषित कर दिया और उत्तराधिकारी के युद्ध में चाची ताराबाई को पराजित किया। इसके बाद पाँचवा उत्तराधिकारी बनता है शिवाजी का राजा राम द्वितीय 1649-50 तक। शाहू द्वितीय के कोई भी पुत्र नहीं था। ताराबाई के कहने पर तथाकथित शिवाजी द्वितीय के पुत्र राजा राम द्वितीय को छत्रपति बनाया गया। अब आते हैं प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो लूट का एक चौथाई भाग छत्रपति के पास जाता था, उसे बाबती कहा जाता था। 6% पंत सचिव को मिलता था, जिसे कि सहोत्रा कहा जाता था। 3% छत्रपति के विवेक पर विभिन्न सरदारों के मध्य विभाजित किया जाता था, जिसे कि नाद गोंदा कहा जाता था, और बाकी 66% मराठा घुड़सवारों को दे दिया जाता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी और राजभाषा के रूप में प्रयोग किया था। मराठी को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया था शिवाजी ने। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में बटी हुई थी। पहला पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक थी, दूसरा सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक था, और तीसरा पैदल वाला सेना। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित था। शिवाजी ने रस्सी के द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी और मानक छड़ी के प्रयोग को शुरू किया था। शिवाजी के समय में कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो कि बढ़कर के 40% कर दिया गया। चौथ एवं सरदेशमुखी नाम का एक कर था, जो कि शिवाजी के द्वारा लगाए गए थे। चौथ और सरदेशमुखी, चौथ जो कर होता था, यह कर शिवाजी के द्वारा पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण नहीं करने के एवज पर वसूल किया जाता था। और सरदेशमुखी को शिवाजी इसलिए वसूल करते थे क्योंकि वो महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। अब ये छठे अंगल मराठा युद्ध के बारे में, जिसमें अंग्रेज और मराठों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ हुई थी। किस वर्ष ये संधियाँ हुई थी वो आप सब जानेंगे इस बॉक्स में। सूरत की संधि 1775 में हुआ था रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। पुरंदर की संधि 1776 में हुआ था पेशवा माधव और नारायण राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। बड़गांव की संधि 1779 में पेशवा माधव राव नारायण राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। सालबाई की संधि 1782 में बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। बसीन की संधि 1802 में पेशवा माधवराव नारायण और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। देवगांव की संधि 1803 में भोसले और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। सुरजी अर्जुनगांव की संधि 1803 में सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। राजपुर घाट की संधि 1804 में होलकर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। नागपुर की संधि नागपुर में अप्पा साहिब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ग्वालियर की संधि 1817 में और पूना की संधि, दोनों ही 1817 में हुआ था। ग्वालियर की संधि सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, और पूना की संधि पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और मंदसौर की संधि 1818 में होलकर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। अब जानिए शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और सम्मान होता था इसका। पेशवा प्रधानमंत्री होता था। राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी पेशवा होता था। सरे नौबत ये सेनापति होता था। सैन्य विभाग का प्रधान अमात्य राजस्व मंत्री होता था। आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी। वाक्यान्वित
ये सूचना मंत्री होते थे, गुप्तचर और संधि विग्रह के विभागों के अध्यक्ष। चिटनिस राजकीय पत्रों को पढ़कर के उसकी भाषा शैली को देखता था। सुमंत विदेश मंत्री था, पंडित राव धार्मिक कार्यों से संबंधित था और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान था। अब ये महाराष्ट्र के प्रमुख संत हैं, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1271 से 96 तक ये संत थे। ज्ञानदेव उनको ज्ञानेश्वर के नाम से भी जानते हैं हम। भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका इन्होंने लिखा हुआ है। नामदेव बहुत अच्छे से आप सभी जानते होंगे, 1270 से 1350 तक थे ये। इनके आराध्य देव पंडरपुर के विठोबा या विठ्ठल, विष्णु के रूप में ये थे विठ्ठल। विठोबा या विठ्ठल की उपासना को वर्करी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है जिसकी स्थापना नामदेव ने किया था। एक नाथ रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका इन्होंने लिखा है। तुकाराम ने भक्ति पर कविताएं लिखी हैं जिन्हें की अभंग कहा जाता है। रामदास दास बोध थे। ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, एक नाथ, ये सारे संत के द्वारा मराठी राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया गया। शिवाजी के गुरु रामदास समर्थ ने अपने कीर्ति दास बोध में मराठी राष्ट्रवाद को प्रेरित किया है। मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को 1713 में पेशवा बनाया था और इनके मित्र 1720 में हो गई थी। इन्होंने पेशवा पद को वंशानुगत बनाकर के राजा को शक्तिहीन कर दिया। शाहू जी ने खेड़ा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ की मदद से तराई को पराजित कर दिया अक्टूबर 1707 में। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे जो कि शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली के बीच में हुई संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था जिसने कि 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। ये बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में हारने के बाद में फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त करके बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन देकर के भेज दिया गया और जहां से उसे 1853 में उसकी मृत्यु हो गई। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्ध ये हैं। हाइडेस्पिज का युद्ध हुआ था 326 में। इस युद्ध में सिकंदर ने राजापुरु को पराजित कर दिया था। कलिंग का युद्ध हुआ 261 में। इस युद्ध में अशोक ने कलिंग के राजा को पराजित किया परंतु युद्ध की विभीषिका से दुखी होकर के उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके बाद 1712 में रावल का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया। फिर 1001 में पेशावर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। फिर चंदावर का युद्ध होता है 1194 में और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। इसके बाद 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था और बाबर विजयी रहा था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था बाबा और राणा सांगा के बीच में जिसमें बाबर विजयी रहा। चंदेरे का युद्ध हुआ था 1528 में और इसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच में ये हुआ था जिसमें बाबर विजयी रहा था। फिर 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच में जिसमें कि बाबर विजयी रहा। चौसा का युद्ध 1539 को हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जिसमें शेरशाह विजयी रहे थे। कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जिसमें शेरशाह विजयी और हुमायूं फिर से पूर्णतः परास्त हो गया। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था 1555 में हुमायूं और अफगान सालार खां के बीच में हुमायूं की विजय हुई थी। सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में जिसमें कि हुमायूं विजयी रहे। इसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, अकबर विजयी रहता है। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राज्यों ने सम्मिलित रूप से विजयनगर साम्राज्य को हराया था और इस युद्ध को बन्नीहट्टी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है।
हल्दी घाटी युद्ध होता है 1576 में, मुगल सेनापति मानसिंह और राणा प्रताप के बीच में ये लड़ा गया था, जिसमें कि मुगलों की विजय हुई थी। इसके बाद होता है अहमदनगर का युद्ध। अहमदनगर का युद्ध 1600 में हुआ था, अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी के बीच में, जिसमें कि अकबर विजय हुआ था। इसके बाद असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 में, अकबर और मियाँ बहादुर के बीच में, जिसमें कि अकबर विजयी रहा था। फिर धर्मत का युद्ध होता है 1658 में, धर्मत युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था और औरंगजेब की विजय हुई थी। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। सामूगढ़ का युद्ध और धर्मत का युद्ध दोनों ही 1658 को हुआ था, तो जो धर्मत का युद्ध हुआ था वो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था, और सामूगढ़ का औरंगजेब और दारा शिकोह, दोनों ही दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। और दूसरा जो युद्ध सामूगढ़ का युद्ध होता है, उसमें भी औरंगजेब विजयी रहता है।